गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आप लोगों के सामने मेसोपोटामिया चैप्टर क्लास 11 में जो सेकंड चैप्टर है राइट, इसका आपके बुक में नाम दिया गया राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ का इमर्जेंस कैसे हुआ उसकी चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं। अभी तक हम लोग राइटिंग पे नहीं पहुंचे। हम लोगों ने पहली क्लास में बात की थी ज्योग्राफी के बारे में, फिर अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या होता है अर्बनाइजेशन और किस तरह से स्टार्ट हुआ था मेसोपोटामिया में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ी सी हम लोगों ने बात की। आज हम लोग सिटी वाइज, मतलब दो तीन सिटी का एग्जाम्पल्स, दो तीन सिटी के बारे में डिटेल से आपके बुक में बताए, जैसे उर है, उरुक है, मारी है, तो इनका किस तरह से डेवलपमेंट होगा, किस तरह के सिटीज थे और सिटीज का डेवलपमेंट में वहां के लोगों का क्या योगदान है, वहां के राजाओं का क्या योगदान है, ट्रेड का क्या योगदान है और टेंपल्स मंदिरों का क्या योगदान है। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्ट्राइकिंग चीज है मेसोपोटामिया की सभ्यता में, शहरीकरण में, मेसोपोटामिया की सभ्यता के शहरीकरण के लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है मंदिर। और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मंदिर शहर, डेवलपमेंट ऑफ टाउन अराउंड द टेंपल्स, हाउ टेंपल्स प्ले द रोल ऑफ अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। उसी के संदर्भ में ये आज का वीडियो है, क्योंकि टेंपल का बहुत बड़ा रोल है और ऐसा माना जाता है मेसोपोटामिया के जो अर्ली टाउन्स थे, जो स्टार्टिंग बिगिनिंग टाउन्स थे मेसोपोटामिया की सभ्यता का, जो सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, सेटलमेंट स्टार्ट के बाद गांव से जब उसका कन्वर्जन शहर में हुआ, तो ये कन्वर्जन करने वाले जो मेन फैक्टर था वो टेम्पल था। इसको अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो, अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया, एक तो अर्बनाइजेशन, दूसरा साउदर्न मेसोपोटामिया, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है टिग्रिस और ये है एफ्रेट। टिग्रिस और एफ्रेट आपको पता है यहाँ पे आके ये डेजर्ट में खो जाती है, कुछ चैनल जो है पर्शियन गल्फ में इसका इन कर जाती है। अब होता क्या है, टिग्रिस और एफ्रेट के ही किनारे कई सारे शहरों का विकास होता है, इसके चैनल्स के किनारे कई सारे शहरों का विकास होता है और ये फर्टाइल लैंड के रूप में डेवलप होता है और यहाँ पे गांव का विकास होता है, गांव से शहरों का विकास होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे इसी दो शहर के बारे में, उर जो नीचे, जब सबसे ज्यादा जो साउथ में जो टाउन डेवलप हुआ मेसोपोटामिया में उसका नाम था उर, यू आर, और दूसरा जो थोड़ा सा उससे ऊपर है, उर से नॉर्थ पार्ट में है, वो है उरुक, यू आर यू के, उरुक। ये दो टाउन के बारे में आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं 5000 BC, 5000 वर्ष ईसा पूर्व, 5000 वर्ष अभी से कितना पहले हो गया, तो 7000 बिफोर प्रेजेंट, अभी से 7000 वर्ष पहले की बात है। माना ये जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट इन्होंने फाइंड आउट किया कि आज से लगभग 7000 वर्ष पहले, मतलब 5000 ईसा पूर्व, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं 5000 BC बिफोर क्रिश्चियन ईरा, BCE बिफोर क्रिश्चियन ईरा। तो क्रिश्चियन ईरा स्टार्ट हुआ आज से लगभग 2000 वर्ष पहले, तो 2000 वर्ष पहले क्रिश्चियन ईरा स्टार्ट हुआ और उस क्रिश्चियन ईरा से 5000 वर्ष पहले, तो क्रिश्चियन ईरा के पीछे जितना जाते हैं तो उसके पीछे बीसी जो बिफोर क्रिश्चियन ईरा लगाते हैं, तो टोटल अगर प्रेजेंट से पीछे जाए तो 7000 वर्ष टोटल बनता है। तो आज से 7000 वर्ष पहले या 5000 BC के टाइम में माना जाता है कि साउदर्न मेसोपोटामिया में सेटलमेंट, लोगों का रहना शुरू किया, लोगों ने रहना शुरू किया, अपनी बस्तियां उन्होंने बसानी शुरू की, गांव का डेवलपमेंट शुरू हुआ और उन लोगों ने उस एरिया में कृषि करना शुरू किया। गांव का डेवलपमेंट मतलब कृषि, तो गांव और कृषि का डेवलपमेंट साथ साथ होता है, ठीक है।
ये साउदर्न मेसोपोटामिया की बात। यही जो गांव थे यही बाद में टाउन के रूप में धीरे धीरे डेवलप। और ये जो टाउन का जो रूप है, टाउन के रूप में जो डेवलप होगा, तीन रूप में डेवलप होगा, इसको ध्यान से देखना। एक तो सिटीज अराउंड टेम्पल्स, ये जो टाउन होंगे टेम्पल के चारों तरफ डेवलप होंगे या टेम्पल के कारण डेवलप होंगे। एक दूसरा टाइप का सिटीज होगा जो एज सेंटर ऑफ ट्रेड के रूप में डेवलप होगा और बाद में इंपीरियल सिटी के रूप में भी डेवलप। इंपीरियल सिटी मतलब राजा का शहर, राजा द्वारा स्थापित शहर, ठीक है, या शासक द्वारा स्थापित शहर या शासन के लिए स्थापित शहर, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्थापित शहर। मेन फोकस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जब डेवलपमेंट किसी खास एरिया में होता है वही बाद में टाउन के रूप में डेवलप हो जाता है। कभी कभी ट्रेड के कारण, जिस एरिया में ट्रेड एंड कॉमर्स का कार्य शुरू होता है, व्यापार का कार्य शुरू, वो एरिया धीरे धीरे टाउन के रूप में डेवलप होता है। लेकिन मेसोपोटामिया का एक जो स्ट्राइकिंग फीचर है जिसको इसको भी पढ़ना है हमें, सिटी अराउंड टेम्पल्स, टेम्पल के विकास के साथ ही टेम्पल का विकास हुआ, टेम्पल ने सिटी का विकास किया। तो सबसे पहले इसमें जो आज हम पढ़ रहे हैं इसमें पढ़ेंगे अराउंड द टेम्पल्स एंड अराउंड द ट्रेड और एज ए ट्रेड सेंटर। इस दो रूप में किस तरह से साउदर्न मेसोपोटामिया में सिटी का विकास हुआ, इसको हम समझने की आज कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो जो अर्ली टेम्पल्स हैं, वो अर्ली टेम्पल्स सबसे पहले उरुपुर की बात करेंगे, ये वाला प्लेस। जो उर में अर्ली टेम्पल्स हैं वो टेम्पल्स के का उस टेम्पल्स के कारण ही माना जाता है उर में शहरीकरण। यहां उर का जो शहरीकरण माना जाता है, उरुक का भी बहुत हद तक उरुक का भी शहरीकरण स्टार्टिंग जो हुआ वो टेम्पल्स के कारण। अब ये जो उर है, उर के बारे में बोला जाता है, या ये जो अर्ली टेम्पल्स है, उर हो या उरुक, जो अर्ली टेम्पल जो सबसे पुरानी जो मंदिर है, उस मंदिर की थोड़ी सी विशेषता की बात की गई, उसको आपको समझना चाहिए, तो क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ सकता है कि जो अर्ली टेम्पल्स हैं इट वॉज लाइक हाउस, घर के जैसा था। क्यों ऐसा क्यों बोला जाता कि अर्ली टेम्पल घर के जैसा था? तो माना जाता है कि जो प्रारंभिक टेम्पल थे, जो अर्ली अवस्था में जब टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ, तो दैट वॉज वेरी नॉट वेरी बिग कंस्ट्रक्शन, दैट वॉज जस्ट द हाउस ऑफ पीपल, जिस तरह से लोग अपने घर बनाते थे उसी तरह का टेम्पल बनता था। अर्ली फेज की हम लोग बात करें तो उसके कारण भी इसका मतलब छोटा सा कंस्ट्रक्शन था, आकार में छोटा था, घर जैसा ही था, इसके कारण भी। दूसरा ये बोला गया कि इनफैक्ट इट वॉज द हाउस ऑफ गॉड। जो ट्रीटमेंट हो, देखो अभी का ट्रीटमेंट उस टाइम के टेम्पल, देखो पूजा तो था लेकिन पूजा के साथ साथ लोगों के मन में एक विश्वास था कि ये भी भगवान का घर है, भगवान यहाँ पे रहते हैं। तो वो जिस तरह से अपना घर को जिस तरह से डेवलप करते थे, उसी तरह टेम्पल को डेवलप कर देते थे। और गॉड, जैसे कि मान लो इसमें गॉड, जैसे मून गॉड है, इनाना है, मून जो है मेल फीचर है, मेल गॉड है, और इनाना जो है फीमेल है। मून जो, ये जो इनाना है, इनाना के बारे में बोला गया ये जो है गॉड ऑफ लव एंड पीस, वार एंड पीस, वार एंड लव, सॉरी गॉड ऑफ वार एंड लव, इनको इनाना, ये कभी कभी वन मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, जैसे उर में कौन से गॉड फेमस थे, तो मून हो गया, इनाना हो गया, ठीक है, पूछेगा कि इनाना किसके लिए, किसका गॉड माने जाते थे, तो आप क्या लिखोगे, वार एंड लव या लव एंड वार का गॉड इनाना को माना जाता है। ये जो टेम्पल्स थे अभी टेम्पल्स, ये इसमें जैसे गॉड है, मून है, इनाना है, तो उनके अपने अपने हाउसेस बना दिया करते थे, रूम्स बना दिया करता, बना दिया जाता था। और इसका जो आकार होता था कुछ इस तरह से आकार, देखिए यहाँ ध्यान दो, कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड के चारों तरफ घर बने हुए हैं, उसी में गौर रहते हैं। और जो घर में जो काम होता है वो काम मंदिरों में भी होता था, खाना बनाना है, उनको चढ़ावा आ रहा है तो उसको कहां पर रखना है, बस घर के जैसा चीजें थी। तो इसके कारण जो है अर्ली टेम्पल्स को माना जाता है कि ये घर जैसा थे, लेकिन बाद में टाइम टू टाइम क्या हुआ, टेम्पल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और टेम्पल का धीरे धीरे
क्या बोलते हैं उसको, राइजिंग स्टार्ट होगा, टेंपल का एरिया बड़ा होगा, टेंपल का साइज बड़ा होगा, टेंपल जो पहले जो अनबैक्ड बिना पके हुए ब्रिक्स से बनते थे वो बाद में पके हुए ब्रिक्स से बनने शुरू हो जाएंगे, उनकी हाइट बढ़ जाएगी, उनके चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी हो जाएगी, कई तरह की चीजों का डेवलपमेंट धीरे धीरे होना शुरू होगा। तो ये जो टेम्पल था, अच्छा ये टेम्पल में एक डिफरेंस जो था, बाद में ये डिफरेंस इमर्ज हुआ, वो डिफरेंस घर से किस तरह से ये टेम्पल डिफरेंस था, तो उसमें एक पॉइंट बनता है कि इसके जो बाउंड्री थे, ये बाउंड्री और घर का जो बाउंड, घर में तो बाउंड्री होता नहीं था, अगर होता था तो उससे इस बाउंड्री में डिफरेंट ये था, ये ना सर्टेन इंटरवल, इसके जो बाउंड्री है ये सर्टेन इंटरवल से इनवार्ड आउटवार्ड, ये इसका ये ढांचा है टेम्पल्स का, जो बाउंड्री का ढांचा है, बाद में अंदर का ढांचा घर जैसा है, ये अगली टेम्पल्स की हम लोग बात करें, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस। चलो नेक्स्ट बात ये हम लोग करेंगे कि ये जो टेम्पल्स हैं, अर्ली टेम्पल्स, स्पेशली ऊर वाले, ऊर का टेम्पल, इसके बारे में बात करेंगे। इस अर्ली टेम्पल्स में क्या सब होता था, जैसे एक तो टेम्पल है, तो टेम्पल में क्या होगा, वर्शिप होगा, ठीक है, वर्शिप में आप वर्शिप ऑफ गॉड कैसे किया जाता था, तो इसमें जो है ईश्वर को चढ़ावा दिया, गांव के जो लोग, जो एरिया के लोग होते थे वो ईश्वर को चढ़ावा देते, क्या देते थे, जैसे कर्ड हो गया, फिश हो गया, ठीक है, जो लोग खाते थे इन्हीं चीजों को वो जैसे ग्रेन्स हो गया, ये लोग क्या करते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, ठीक है। दूसरा चीज इस टेम्पल से जुड़ा हुआ, इस टेम्पल में और क्या चीज होता था इसको भी आपको पढ़ना, माना यह जाता है ये टेम्पल था, ये थ्योरेटिकल ओनर ऑफ लैंड, क्रॉप, एनिमल, ये सारी चीजों का ये थ्योरेटिकल ओनर माने जाते थे, समाज का, समाज में खेत है, किसानी है, खेती है, जानवर है, तो उन सारे चीजों का मालिक ये टेंपल ही माना जाता है, ये सोसाइटी की ये सोच थी, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ भगवान का है, ये जो आपको आदमी बहुत अमीर हो जाता है तो जब वो फिलोसफिकल होता है तो बोलता है ये सब ईश्वर का दिया हुआ, सब मालिक का, तो इसी तरह के कुछ विश्वास वहां के लोगों में भी था कि ये जितने भी चीजें हैं ये सारा चीज किसका, इसके मालिक कौन है, इसका मालिक टेंपल, मंदिर इसका मालिक, तो जो ही मंदिर इसका मालिक है तो क्या होगा, इस मंदिर से सेवरल काइंड का इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज होगा, ये जो है ऑर्गेनाइजर ऑफ सेवरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सेवरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जब ऑर्गेनाइजर हो जाएंगे तो याद रखना ये जो है सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में, ठीक है, ऑर्गेनाइजर के साथ साथ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ये भी होगा, प्रोडक्शन का केंद्र हो, उत्पादन का केंद्र भी हो जाएगा, और मंदिर के परिसर में क्या क्या उत्पादन, क्या क्या कौन, मतलब हर एक प्रकार का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज था वो ऑर्गेनाइज होता था और मंदिर उसको ऑर्गेनाइज करता था, जैसे स्पिनिंग, वीविंग, ऑयल प्रेसिंग एक्सेट्रा, ये सारे काम मंदिर के अंदर किए जाते थे, मंदिर करवाता था, मंदिर के द्वारा, मंदिर में जो पूजा, जो भी मंदिर का अपना ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा उसके द्वारा ये सारा काम किया जाता था। इसके कारण क्या होगा, टेंपल जो है इस
ये सब चीजें जब होगी तो टेम्पल जो है ट्रेड सेलिंग बाइंग इस तरह के एक्टिविटीज को भी ऑर्गेनाइज करेगा, इसको भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। देख लो टेम्पल कितना काम कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, इन सारे परिस्थितियों में टेम्पल जो है वो इट विल बी द मेन, इट विल बी द मेन इंस्टीट्यूशन, मेन इंस्टीट्यूशन ऑफ टाउन्स और सिटी, टाउन्स और सिटी। ये जो है शहर या नगर का मेन संस्था के रूप में डेवलप हो जाएगा। संस्था, संस्था क्या होता है आप लोगों को पता है, संस्था वो होता है जिसमें जो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, जो समझाता है चीजों को, जो चीजों को डेवलप करने की कोशिश करता है, जो चीजों कभी कभी वो रूलर के रूप में भी काम करता है। तो मंदिर ये सारे काम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मंदिर का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल, इस तरह से मंदिर जो है इसी ये सब रीजन है। अगर पूछेगा कि मंदिर जो है ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर कैसे बन गया, सिटी का सेंटर कैसे बन गया, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें जब लिख दोगे ऑटोमेटिक अल्टीमेटली आप यू कैन राइट दैट्स व्हाई टेंपल बिकेम द सेंटर ऑफ सिटी एंड टेंपल प्लेड द वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स इन मेसोपोटामिया। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज उर। उर वाज डेवलप्ड अराउंड द temples. In the early phase, Ur was very small village, and slowly and continuously with the help of temples, with the help of the organization of these temples, this area had been converted into large towns. ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे टेंपल के अराउंड, टेंपल के चारों तरफ किस तरह से टाउन का डेवलपमेंट हुआ था, आप इसको लिख सकते हो। ये चीजें जो थी इसको समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था। अब ये है कि इसको मैं मिटा रहा हूं ऊपर से। अब ये है कि इसी के अंदर एक चीज और आता है, इसी के अंदर एक चीज और आता है कि जो रिवर है उस रिवर का साइड जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, जो गांव है, जैसे टाउन हो गया एक, तो टाउन का कनेक्शन विलेज से होगा। तो ये जो विलेज का है एरिया, इसी पे टाउन डिपेंड है, ये आपको पता है। और विलेज का एरिया जो है ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और एग्रीकल्चर का अगर देखोगे नदी के फ्लो के हिसाब से, तो कुछ लोग ऊपर के पार्ट में बसे हुए हैं, कुछ लोग नीचे के पार्ट में बसे हुए हैं। तो ये जो है ना, इसके कारण जो रिवर है और एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए जो वाटर है, वाटर और जो एग्रीकल्चर है इसको ध्यान में रखते हुए गांव के बीच कंफ्लिक्ट हमेशा रेज होता। व्हाट काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट और क्यों, व्हाई दिस कंफ्लिक्ट वाज रेज्ड, तो ये आपको समझना है। ये कंफ्लिक्ट का रीजन क्या था, ठीक है। तो कंफ्लिक्ट के रीजन को अगर समझना हो तो उसको समझने के लिए वंस अगेन यू कैन सी दिस मैप। मान लो यहां का आदमी, ये चैनल है नदी का, यहां से चैनल है। अब ये पानी यहां से निकला, यहां ये जो ऊपर वाला एरिया है आपको पता है सालों भर नदी में पानी बह रही है, मतलब सैकड़ों वर्षों से, और या 20 वर्षों से, 50 वर्षों, तो ऑटोमेटिक नदी जो है, नदी अपने साथ सिल्ट लाती है, और सिल्ट के कारण ये जो है इसका ये भर जाता है। अब ये जो एरिया जो यहाँ पे है, ये टाउन मान, यहाँ से जो यहाँ वाला लोग है, इसको भी खेतों में पानी चाहिए, और इसको भी खेतों में, एक तो ये हो सकता है कि ऊपर के लोग ज्यादा पानी का यूज करें, जो अपस्ट्रीम में है, द विलेज और द सेटलमेंट which is in the upstream, they can use more and excess water in their agriculture field or for their animal. That's why what will happen,
That's why this will be the major reason for the water crisis in the lower stream. तो लोअर स्ट्रीम में जब वाटर क्राइसिस होगा तो इनका इनके साथ दुश्मनी होगी, तो आपस में ये लोग झगड़ भी जाते थे। दूसरा चीज ये था कि ये ऊपर में सिल्ट जमा होने के कारण यहीं पे पानी चारों तरफ फैल जाता था, नीचे तक पानी बहुत कम पहुंच पाता था, और ऊपर वाले लोग इस सिल्ट को जो जो स्ट्रीम है, जो चैनल्स है नदी में, उसको साफ करते नहीं होंगे। अगर नहीं करते होंगे तो उसके कारण भी आपस में कंफ्लिक्ट होगा। तो ये मेजर टू काइंड्स ऑफ कंफ्लिक्ट थे जिसके कारण आपस में कंफ्लिक्ट होते रहते। तो आपस में जो ही कंफ्लिक्ट होगा तो यहां का लोग यहां के लोगों में झगड़ा होगा, ठीक है। एक झगड़ा का कारण ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक झगड़ा का, अब ये झगड़ा से ही हम लोग चीजों को समझेंगे धीरे करके। एक क्वेश्चन आप इससे बन सकता है, क्वेश्चन इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि Why was the conflict over land and water in Mesopotamian countryside? Mesopotamian countryside में जो गांव थे मेसोपोटामिया के, उसमें what was the reason of conflict over land and water? Land and water को लेके क्यों conflict होता था, क्या reason था land and water को लेके conflict का reason क्या था, उसको अगर लिखना होगा तो यही चीज लिखोगे। ये जो ऊपर वाले लोग अगर ज्यादा पानी यूज कर लिए तो ऑटोमेटिक नीचे वाले लोगों के लिए पानी कम हो जाएगा, एक तो रीजन ये है। ऊपर में कभी कभी क्या होता था, सिल्ट से इसके जो है जो स्ट्रीम्स है, जो चैनल्स है, वो भर जाते थे, तो उसके कारण भी इनको प्रॉब्लम होती थी, नीचे वाले पानी नहीं मिल जाता था, ठीक है, नहीं मिल पाता था। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं उसको। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी डेवलपमेंट ऑफ किंगडम। एक टाउन में राजा का विकास कैसे होगा और राज्य का विकास कैसे होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बस 5 मिनट्स। देखो राज्य का विकास, राइज ऑफ किंग, ये क्या है राइज ऑफ किंग? अब अभी आपने देखा कि उर है, उरुक है, ये सब एरिया है, इस एरिया में धीरे धीरे राजाओं का भी रूल कैसे एस्टेब्लिश हुआ, ये ध्यान रखो। जैसे कि हमने देखा कि एक विलेज ये है गया है, एक विलेज ये है, एक विलेज ये है, एक विलेज ये है। अब यहाँ के एरिया के लोगों के एक विलेज के अलावे भी दो तीन और विलेज के लोगों को मिला के मान लो ये चीफडम है, चीफ है, चीफडम है, चीफ है, इसका एक चीफ होगा। तो इनके और इनके बीच में कंफ्लिक्ट, अभी आपने देखा ओवर लैंड एंड वाटर, एक कंफ्लिक्ट ये हो सकता, दूसरा भी कई रीजन से कंफ्लिक्ट हो सकता। तो ऐसे में क्या होगा, ये चीफ और इस चीफ में झगड़ा हो सकता है, ये चीफ और इस चीफ में झगड़ा हो सकता है, और क्या होगा, एक दूसरे से जब इनकी वार होगी, जब एक दूसरे से इनकी बैटल होगी, तो उसमें से क्या करेंगे, जिसकी जीत होगी वो दूसरे लोगों को क्या करेंगे, एक स्लेव के रूप में, खुद को स्लेव के रूप में उसको अपना कर सकते हो, उनको उस पर अधिकार कर लेंगे, उनके जमीन पे अधिकार हो जाएगी, उन लोगों पे अधिकार हो जाए, तो उन लोगों का आप नौकर के रूप में यूज कर सकते हो, अन्य तरीके से यूज कर सकते हो। अब क्या इस चीफ का क्या कर्तव्य है, इस चीफ का, अगर इस चीफ ने मान लो तो इस किसी को हराया, तो इन चीफ में इस लोगों की आस्था बढ़ जाएगी, उनके जो पीपल्स हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, उनकी आस्था बढ़ जाएगी, और इन लोगों का जो टेंपल्स है, जैसे उर में हमने आप देखा उर में जो टेंपल है, या फिर आगे देखोगे उरुक, उरुक में जो टेंपल है, इस टेंपल्स में क्या करेंगे ये चीफ, बहुत ज्यादा दान दक्षिणा करेंगे, उस टेंपल में वृद्धि करेंगे, उस टेंपल के जो ग्लोरी है, उस टेंपल के जो बनावट है, उसमें और ज्यादा वो कंस्ट्रक्शन को लाएंगे और उस टेंपल को बड़ा कर लेंगे। तो जिस एरिया का जितना बड़ा टेंपल, जिस चिकडम के अंदर जितना बड़ा टेंपल, उस चिकडम का उतना मान सम्मान, वो चिकडम उतना बड़ा मतलब पावरफुल आदमी हो जाएगा। और इस तरह से ही धीरे धीरे करके ये जो चीफ है, यही एक टाइम ऐसा आएगा ये किंग के रूप में डेवलप हो जाएंगे। तो एक राजतंत्र का विकास होगा, तो मेसोपोटामिया जो है एक राज्य के रूप में कन्वर्ट होगा, जो कई चीफ के जो अंदर थे, तो जो सबसे पावरफुल होगा तो वो क्या करेगा, किसी एक को मतलब वो कोई एक जो है वो सबको अपने में मिला लेगा, और किसी खास टाउन से रूल करेगा, कभी उर से करेगा, कभी उरुक से करेगा। अब ये देखो उरुक, उरुक जो है ये माना जाता है, उरुक का जो विकास है, उरुक देखो
उरुक का जो विकास है ये इसका विकास लगभग 4200 BCE में टाउन के रूप में इसका डेवलपमेंट हो चुका है। और माना जाता है कि उरुक जो है 3000 BCE में इसका 250 हेक्टेयर्स में इसका डेवलपमेंट हो चुका था। तो ये और 2800 BCE यहाँ पे आके ये 400 हेक्टेयर्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसका एरिया देखो किस तरह से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे टाउन का डेवलपमेंट हुआ और 3000 BCE में 250 हेक्टेयर में और 2800 BCE में मतलब 2800 ईस्वी पूर्व में ये 400 हेक्टेयर में इसका मतलब बहुत बड़े एरिया में फैल गया। अब इतने बड़े एरिया में फैलने के कारण क्या हो, इसके लिए एक रूलर चाहिए और साथ ही साथ इसके इर्द गिर्द के जो गांव हैं, जो विलेज हैं, ये क्या हो जाएगा, ये डेजर्टेड हो जाएगा, विलेज डेजर्टेड हो जाएगा। और ये क्या ये जो है इंक्लूडेड इनटू टाउन, ये जो है गांव है ये टाउन में मिलता चला जाएगा। अब जैसे कि दिल्ली देख लो, ऐसा ही होता है। दिल्ली कभी बहुत छोटा हुआ करता था लेकिन दिल्ली के गांव तो दिल्ली के टाउन मिल ही गए, नोएडा गाजियाबाद वो भी टाउन बनता चला गया। तो इस तरह से एक्सपेंशन होता उरुक का चला गया। इस उरुक के एक्सपेंशन के साथ ही रूलर जो है, आप देखो रूलर का रोल इसमें बहुत बड़ा रोल हो जाता है। रूलर कई तरह का रोल प्ले करता है, रूलर मतलब किंग, ठीक है। ये जो है टेम्पल का देखरेख करेगा, टेम्पल का देखरेख करेगा, इतना ही नहीं इसका विकास करेगा, टेम्पल का क्या करेगा, ये विकास करेगा मंदिर का, इतना ही नहीं ये व्यापार का इस पे भी ध्यान देगा, इसको इसका भी विकास करेगा, इतना ही नहीं। मान लो मेसोपोटामिया की जब बात ये या उरुक की बात करोगे तो आप इस एरिया में देखोगे कि यहाँ पे हमने पढ़ाया था मेटल्स नहीं मिलता है, तो ये इसको मेटल चाहिए, प्रेशियस स्टोन चाहिए, लग्जरी लाइफ राजा को भी जीना है। तो ऐसी स्थिति में ये कह रहे हैं व्यापार के लिए जो व्यापारिक अभियान के लोगों को मोटिवेट करेगा, इसको दूसरे जगह भेजेगा, ठीक है, दूसरी जगह भेजना और वहां से माल का आयात प्लस निर्यात करवाएगा, तो व्यापार में वृद्धि होगी, तभी तो राजा को ज्यादा फायदा होगा। ये सारी चीजें करेगा और इसके साथ ही साथ ये अपना आर्मी भी बनाएगा, ठीक है, आर्मी सेना का गठन कर लेगा और धीरे धीरे मेसोपोटामिया राज के रूप में कन्वर्ट होता चला जाएगा और मेसोपोटामिया बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। इसमें इस विकास में 3000 BCE का जो टाइम है ये मेसोपोटामिया में टेक्निकल डेवलपमेंट का सेवरल डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। जैसे कि ब्रॉन्ज जैसे कि क्वार्टर्स व्हील क्या होता, चाक जिसको बोलते हो, इन सारी चीजों से ब्रॉन्ज के कारण ये जो इसमें राजा का रोल बहुत बड़ा होता है, राजा मोटिवेट करता था इन चीजों। इतना ही नहीं आप देखोगे राइटिंग के बारे में बोला जाता है, आप पढ़ोगे जब राइटिंग के डेवलपमेंट में भी राजा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इस तरह से राजा का विकास होगा, राज्य का विकास होगा और राजा जो है व्यापार हो, कृषि हो या सामान का एक तरह से लाना ले जाना या तकनीकी विकास हो, इन सारे चीजों में राजा बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। खासकर उरुक के संदर्भ में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।